जीत की बात मत कीजिए, आप बात कीजिए कि लीड कितनी लेंगे हम। इससे बड़ा हवाई अड्डा, जो एयरपोर्ट, जो आज दिन तक लोगों ने कल्पना भी नहीं करी थी, वो इतनी बड़ी हमें सौगात मिली है, तो हम तो काम को तो भूल ही नहीं सकते अगर इस चीज़ को। राजस्थान में आज वापस से उसका काम शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी एयरपोर्ट बन के भी आएगा और वहाँ एरोप्लेन भी उड़ेंगे। अच्छा, कितने वोट? जी, जगह ऐसी है जहाँ पर अभी दिक्कत है, हम भी मानते हैं, पर कुछ जगह पानी बहुत ज़्यादा है, जो फालतू पब्लिक जो बता रही हूँ मैं। पहले हम जनमत जानने के लिए निकले हैं कि जनता क्या वोट देती है, जनता को क्या मानना है कि वो इस चुनाव में किसको जिताएंगी। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे मैं बात करके इस बात को जानने का हम प्रयास करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। इस बार ऑब्वियसली मोदी जी की सरकार ही बननी है, और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से हमारे जो सांसद साहब हैं, पूर्व सांसद साहब जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान में, ओम जी बिरला, वही भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। और जनता ने मानस बना लिया है कि हमारे हाड़ौती के अगर सर्वमान्य कोई नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओम बिरला जी हैं। अच्छा, ओम बिरला जी चुनाव क्यों जीतेंगे, इसके पीछे कोई रीज़न आप बता सकती हैं? हाँ, ओम जी बिरला एक ऐसे नेता हैं कि एक छोटे बच्चे से लेके, अगर मैं एक जुमला बोलूं कि बचपन से लेके 55 साल के लोगों की चिंता अगर कोई करता है हाड़ौती में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी ने, चाहे मेडिकल की बात हो, विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि ओम जी ने कुछ काम नहीं किया है क्षेत्र में पिछले 10 साल में, जो उनका कामकाज करने का वो है, ग्राफ है, वो जीरो है बिल्कुल। लोग कुछ भी कहें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आम पब्लिक से मिलिए, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, आप आम पब्लिक का आप व्यू लीजिए, पब्लिक बताएगी आपको कि बिरला जी ने क्या किया है। जनता कुछ भी बोले, अपोजिशन कुछ भी बोले, वो डिजर्व नहीं करता है। जनता क्या बोलती है, जनता क्या महसूस करती है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपका मानना है जीतेंगे इस बार ओम जी? आप जीत की बात मत कीजिए, आप बात कीजिए कि लीड कितनी लेंगे। हम बहुत, जो पहले की हमारी जो लीड है उससे भी ज़्यादा लीड से हम जीतेंगे। आप कहाँ से हो? जी, मैं बूंदी से हूँ, नूपुर मालो, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। मतलब महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हो आप, तो फिर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हो तो आप बीजेपी के लिए बात करोगी? जी जी, हमें क्या है कि ना, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात तो हम बीजेपी की ही करेंगे, क्योंकि नारी के लिए ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें महिला शक्ति इसलिए साथ दे रही है हमारे ओम जी भाई साहब का, हमारे नरेंद्र जी मोदी जी का, क्योंकि आज नारी सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, तो किसकी वजह से? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, और कोटा बूंदी जो संसदीय क्षेत्र है तो ओम जी भाई साहब की वजह से। अगर अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा क्या मानती हो आप? राम मंदिर का मुद्दा इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? लोग राम के नाम पर वोट देंगे या काम के नाम पर वोट दे रहे हैं? काम और राम दोनों के नाम पे वोट बरा, मतलब क्योंकि क्या, राम के नाम पे हमारे वोट इसलिए है हमें होंगे क्योंकि हम एक भावना से जुड़े हुए हैं, हम क्योंकि जो भी लोग हैं वो एक भावना से जुड़े होते हैं, और भावना हमारे राम के साथ जुड़ी हुई है, तो उनका जब 500 साल वो टेंट में रहे, उसके बाद उनका जो इतना भव्य मंदिर बना है, तो ऑब्वियसली उससे तो हमारी भावना जुड़ी है। और काम, काम तो सर्वोपरि है ही सरी, क्योंकि हमारे ओम जी भाई साहब ने इतना कोटा और जिसमें बूंदी जो इतना पिछड़ा हुआ था, वहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल, जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते थे जिसके, उसका वो चीज़ कराई, और बूंदी में सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जो एयरपोर्ट, जो आज दिन तक लोगों ने कल्पना भी नहीं करी थी, वो इतनी बड़ी हमें सौगात मिली है, तो हम तो काम को तो भूल ही नहीं सकते अगर इस चीज़ को। बूंदी में एयरपोर्ट मिला, कोटा के एयरपोर्ट का क्या? बूंदी और कोटा संसदीय क्षेत्र है, ऑब्वियसली अगर ये एयरपोर्ट जो शंभूपुरा में हमारा बन रहा है, बनने जा रहा है, तो पूरा हाड़ौती ही कवर हो रहा है, ये कोटा और बूंदी की बात नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से हो मैम? मैं कोटा से ही हूँ, कविता पचवारिया, महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष। कैसा लग रहा है आपको, क्या चुनाव में क्या रिजल्ट रहने वाला है? 100% हमारी विजय होगी, कमल का फूल जीतेगा, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भाई साहब वापस सांसद बनेंगे और भारी मतों से जीत के आएंगे। ओम जी ने कुछ काम कराया हो याद है आपको? बिल्कुल याद है। जो ओम जी भाई साहब काम कराते हैं ना, शायद वो कोई भी काम नहीं करा सकता। अपोजिशन पार्टी कहती है ना कि क्या काम कराया, तो अपोजिशन पार्टी ने तो सिर्फ चौराहे चमकाए, हमारे ओम जी भाई साहब ने गरीब तबके के, जो नीचे तबके के लोग होते हैं ना, उनके बारे में सोचा है, जो आज कोई भी नेता नहीं सोचता है। अच्छा, कोई भी काम बताओ आप।
दो चार काम बता। सुपोषित माँ अभियान, गर्भवती महिलाओं के जो मेडिकल कॉलेज में बच्चों की जन्म लेते ही जो मृत्यु हो रही थी उससे वो इतने व्यथित हुए कि उन्होंने सुपोषित माँ अभियान चलाया। इतना बड़ा अभियान चलाया कि गर्भवती महिलाओं को 10 महीने का राशन पूरा जो किट होता है वो पूरा फ्री दिया जाता है, मुफ्त दिया जाता है। डिलीवरी के बाद भी एक किट दिया जाता है, उसमें सारी उनकी ज़रूरत की, उनके प्रोटीन की, जो उनके स्वास्थ्य को ज़रूरत होती है उसकी चीज़ें होती है। और इसको खाकर जिसने इसने को खाया है ना, आप उसका व्यू लेना, वो ये कहती है कि हमें पहले चक्कर आते थे, कमजोरी फील होती थी, अब उनको ये खाने के बाद में ना तो कमजोरी। तो गवर्नमेंट का सब जगह होगा, सारे स्टेट में है ये सारी चीज़ें? तो नहीं, शायद नहीं है, सिर्फ कोटा में शुरू हमारे भाई साहब ने ही कराया था, ओम बिरला जी भाई साहब की ही सोच थी जिससे ये शुरू हुआ है, और आज कोटा बूंदी सब जगह ये अभियान बड़ी जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा और क्या काम करवाया? सिंथेटिक ट्रैक बनवाया कोटा में, अगर किसी ने एयरपोर्ट की मांग रखी थी ओम जी भाई साहब ने रखी थी सबसे पहले, जमीन भी आवंटित करा ली। रोका किसने? अपोजिशन पार्टी ने, पैसे जमा नहीं कराए जब उनकी सरकार थी, उन्होंने उसके पैसे नहीं दिए तो रुका किस लिए? उनकी वजह से रुका। आज हमारे सरकार है राजस्थान में, आज वापस से उसका काम शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी एयरपोर्ट बन के भी आएगा और वहाँ एरोप्लेन भी उड़ेंगे। अच्छा, कितने वोटों से जीत सकते हैं आपके हिसाब से ओम जी यहाँ से? ओम जी भाई साहब हमारे 6 लाख मतों से जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे, 6 लाख मतों से जीतेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट रंजना जोशी है। अच्छा, और मैं बूंदी से हूँ, मैं बूंदी से हूँ जी, और मैं महिला मोर्चे की जिला महामंत्री हूँ। अच्छा, क्या रहा एक्सपीरियंस, क्या रहा आपका जो पूरा जो चुनाव रहा 4-5-15 दिन से जो चला आ रहा है संग्राम, तो इसका क्या एक्सपीरियंस रहा? जनता क्या चाहती है? जनता ओम जी बिरला जी को ही वापस सांसद चुनना चाहती है, क्योंकि जो ओम जी भाई साहब ने जो महिलाओं के लिए किया है वो आज तक किसी भी नेता ने नहीं करा। मुझे भी खटखट मंडल दिया हुआ है वहाँ महिलाओं के बीच में, मैंने गर्भवती महिलाओं से भी बातचीत करी है, उनको जो बिरला जी के द्वारा जो किट बांटा गया है वो किट आज तक किसी भी नेता ने नहीं बांटा। जो गरीब से गरीब महिला है उनको वो 17 प्रकार की वेराइटी जो एकदम फर्स्ट अच्छी क्वालिटी की होती है, जैसे उसमें पिंड खजूर है, सोया बड़ी है, तेल है, आटा, दाल, चावल जो भी है वो एक नंबर की क्वालिटी है। ये नहीं कि अपन ने चलो बेकार क्वालिटी के सामान। दूसरी बात, जो ओम जी भाई साहब दिव्यांग लोगों के लिए जो हमें उनकी जो वस्तुएं बांटी हैं दो दिव्यांगों के लिए, जैसे चश्मा, व्हीलचेयर, कान की मशीन, ये आज तक किसी भी नेता ने नहीं बांटा है। गाँव की क्या स्थिति? जैसे आप खटखट मंडल में हो तो खटखट में रोड है ही नहीं आपके, खटखट मंडल में रोड की स्थिति बड़ी ख़राब है। ऐसी बात नहीं है, कुछ रोड बने हुए भी हैं और ठीक है, अभी जैसे रोड का काम बन भी जाता है तो बरसात आप जानते हो अच्छे से अच्छे रोड की दशा बिगड़ जाती है। महिलाओं में काफ़ी जागरूकता है और खटखट मंडल में पानी की भी, पेयजल की भी समस्या है, नहरी पानी की शायद कुछ मांग है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर अभी दिक्कत है, हम भी मानते हैं, पर कुछ जगह पानी बहुत ज़्यादा है जो फालतू पब्लिक जो बता रही हूँ मैं पब्लिक। दिक्कत पता है क्यों थी अब तक? क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी राजस्थान में, तो ये दिक्कत आ रही थी हम लोगों को, क्योंकि हम चाहकर भी काम नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब हमारी सरकार आई है। अब आने वाले 5 सालों में आप पूछना क्या दिक्कत है, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो आप लोग? आप जो पानी की समस्या की जो बात कर रहे हैं आप क्षेत्र में खटखड़ उस साइड में, माननीय लोकसभा स्पीकर साहब ने नोनेरा बांध का जो टेंडर है वो करवा दिया है उन्होंने। हाँ, नोनेरा बांध का टेंडर हो चुका है, जल्दी ही चुनाव के बाद में काम वहाँ का शुरू हो जाएगा और डेफिनेटली घर घर में नल से पानी पहुँचेगा, ये हमारा वादा है और हम इस वादे पर खरे उतरेंगे। कई जगह तो पहुँच भी चुका है, अभी मैं इंद्रगढ़ क्षेत्र में जाके आई तो अधिकतर क्षेत्र में नल लगे हुए हैं और पानी पहुँच भी रहा है। कई जगह क्या होता है कि ना पानी का क्या होता है, प्रेशर कभी कम हो जाता है, लोग बाग बूस्टर लगा लेते हैं तो आधे घरों में नहीं पहुँच पाता कुछ में, बाकी मैं खुद देख के आई हूँ पानी जा रहा है, प्रेशर मैं चेक करके आई हूँ कि पानी प्रॉपर जा रहा है वहाँ पर आके मिला। और जो बचा है क्षेत्र ना वहाँ पे नोनेरा बांध का पहुँच जाएगा, मतलब ये अब हमारी सरकार के 5 साल में पूरे गांवों में पानी की समस्या 100% सॉल्व। नोनेरा बांध जो है इस क्षेत्र की जीवन रेखा बन जाएगा। कुल मिला के आप सब लोग कॉन्फिडेंट हैं कि ओम जी क्लियर कट यहाँ से निकल रहे हैं? पूरी तरह से वी आर कॉन्फिडेंट। पहले उनकी 2,80,000 से लीड थी पहले भाई साहब की, ओम जी भाई साहब की, और अब की बार 6 लाख से उनकी लीड होगी, ये हमारे कॉन्फिडेंट है। पूरी महिला शक्ति ये चाहती है कि ओम जी बिरला जी ही बनेंगे, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मैं जो आपने सवाल उठाया है कि पानी की किल्लत है, माननीय जो हमारे सांसद साहब हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं ओम जी बिरला, उन्होंने नोनेरा बांध का टेंडर करा दिया है और जल्द ही चुनाव के बाद में पानी की जो जल की सप्लाई का जो काम है, पाइपलाइन डलना है, ये सारा काम शुरू हो जाएगा और डेफिनेटली 1 से 1.5 साल के अंदर घरों में पानी पहुंच जाएगा। ये थी हमने आपको बात कराई कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की, कुछ महिलाएं थीं जो बूंदी विधानसभा क्षेत्र से भी है और साथ में ग्रामीण अंचलों में ये काफ़ी काम करके आई हैं।
भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप में बेमिसाल इस वजह से है, ये जीत के लिए कॉन्फिडेंट हैं। उनका मानना है कि ओम बिड़ला क्लियर कट इस सीट पर विजयी हो रहे हैं और जो उपयोगिता है ओम बिड़ला की वो लगातार बढ़ती जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि उनके पास में महिला शक्ति पूरी तरीके से ओम बिड़ला के साथ है, साथ में ग्रामीण अंचल में लोग उनके साथ हैं, उसके अलावा जो पिछले 10 साल में काम जो उन्होंने कराए हैं वो बेमिसाल हैं। पीटीवी हिंदुस्तान के लिए कोटा से प्रणय विजय।